सोनम कपूर कोई भी इंटरव्यू देने में आजकल बहुत घबराती हैं, या यूं कहें कि इंटरव्यू में किसी भी सवाल का जवाब देने के पहले वो दो बार एटलीस्ट सोचती जरूर हैं, क्योंकि जब से सोनम का करियर शुरू हुआ है और जितनी भी बार उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, हर इंटरव्यू में किसी न किसी बात को बोल देने के कारण सोनम कपूर को खामियाजा भुगतना ही पड़ा है। एंड दैट इज वाई सोनम की एक एक्टिव पीआर टीम है जो उन्हें बताती है कि उन्हें इंटरव्यूज में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। जब रिसेंटली सोनम से पूछा गया कि इतनी इलस्ट्रियस इंटरव्यू हिस्ट्री में कितनी बार उनके पीआर सिस्टम ने उनसे कहा है, सोनम यू शुडंट हैव सेड दिस, तो सोनम ने बोला उन्हें हर दो दिन में उनकी पीआर टीम फोन लगाकर कहती है प्लीज ऐसा मत कहिए या ऐसा आपने क्यों कहा। जब सोनम से सबने जानना चाहा कि क्या वो बता सकती हैं 5 ऐसे एपिसोड्स जब इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कह दिया और बाद में पछतावा हुआ, तो उन्होंने कहा पहला है उनका एक दिल्ली स्पीच जहां पर उन्होंने क्लियरली बोला था कि उनकी बॉडी बड़ी अजीब तरीके की है, उनका बम सैगी है, बहुत सारा सेलुलाइट है और 36-24-36 वो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2 एपिसोड था जब उन्होंने एक एक्टिविस्ट के बारे में अपने व्यूज दिए थे, और नंबर 3 जब एक जर्नलिस्ट को उन्होंने कई सारी बातें कहकर बुलाया था। वैसे सोनम का कहना है कि क्योंकि उनके हर इंटरव्यू में वो कुछ ऐसा वैसा बोल जाती हैं, इसलिए लिस्ट बहुत लंबी है। वैसे जब सोनम से ये पूछा गया कि जर्नलिस्ट के ऐसे कौन से सवाल होते हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगते, तो सोनम का कहना है शी डज नॉट वॉन्ट टू बी आस्क्ड व्हाट शी थिंक्स अबाउट अदर एक्ट्रेसेस और हाउ शी रेट्स देयर बॉडी पार्ट्स। दूसरी एक्ट्रेसेस पे कमेंट करना सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं है। शी ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हू शी हैड अ कैट फाइट विद और हू शी इज फ्रेंड्स विद। जब भी किसी इंटरव्यू के दौरान उन्हें हैप्पी बर्थडे, हैप्पी राखी या हैप्पी व्हाटएवर डे विश करने को कहा जाता है, सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। साथ ही में अगर सोनम से पूछा जाता है कि आजकल वो किसके साथ फ्रेंड्स हैं या फिर मोर देन फ्रेंड्स हैं, ये सारे सवाल सोनम को बड़े खराब लगते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें तब आता है जब कोई उनसे पूछता है कि उनकी फिल्म क्यों नहीं चली। वो कहती हैं कि अगर उन्हें खुद पता होता कि फिल्म क्यों नहीं चली तो वो फिल्म में काम करती नहीं, है ना। वैसे सोनम का ये भी कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते आजकल उन्हें आंसर्स याद हो गए हैं, तो जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है वो ऑटो प्ले पे जवाब दे देती हैं। तो अगली बार जब सोनम कपूर किसी चैनल पर आपको मुस्कुराते हुए अपना इंटरव्यू देते दिखाई दें, तो समझ जाइए कि सोनम ने अपना दिमाग शट डाउन कर रखा है और सिर्फ आंखें झपकाते हुए मुस्कुराते हुए एक रटा रटाया जवाब दे रही हैं। वैसे जब सोनम से ये भी पूछा गया कि उनके ऐसे जवाबों के कारण क्या उन्हें पापा अनिल कपूर से डांट पड़ती है, तो सोनम कहती है डांटने के बजाय अनिल कपूर साहब को हंसी आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोनम को अब अपना दिमाग यूज करना शुरू कर देना चाहिए। उनका कहना है कि उनके पेरेंट्स को पेपर पढ़ने से डर लगता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस बार सोनम ने क्या बोल दिया होगा। शी सेज शी डज नॉट हैव अ वेरी बैड रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री, शी इज ऑलवेज ऑन टाइम, शी वर्क्स वेरी हार्ड एंड शी लाइक्स टू पार्टी रिस्पॉन्सिबिली, शी नेवर ब्रेक्स एनी लॉ, द ओनली थिंग शी वॉन्ट्स टू कीप इन चेक इज हर टेम्पर। और सोनम उस पर काम कर रही है, होपफुली जल्दी वो अपने टेम्पर को भी कंट्रोल में कर लेंगी। लेकिन टेम्पर को कंट्रोल करने से पहले सोनम को हमारा सजेशन है कि थोड़ा सा अपनी जबान को भी कंट्रोल कर लो सोनम।